नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर। आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बता दी, रिलायंस ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ, फ्यूचर ग्रुप के 950 स्टोरों की सब लीज खत्म कर दी। बिग बाजार और फैशन बाजार इसमें शामिल है। जी हाँ, आपको बता दी, गुरुवार को फ्यूचर ग्रुप की लिस्टेड कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी FRL ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में यह बताया कि उसे मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की ओर से 950 सब लीज प्रॉपर्टीज की लीज समाप्ति का नोटिस प्राप्त हुआ है। इसमें से 342 लार्ज फॉर्मेट और 493 स्मॉल फॉर्मेट हैं। जी आपको बता दें, भारतीय खुदरा बाजार में वर्चस्व हासिल करने की लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। अरबपति मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर रिटेल के 950 स्टोरों की सब लीज को खत्म करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में किशोर बियानी के नेतृत्व वाली कर्ज में डूबे फ्यूचर समूह ने कहा कि उन्हें 825 रिटेल स्टोर और 112 लाइफस्टाइल स्टोर के लीज को खत्म करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से नोटिस मिले हैं। आपको बतला दें कि शेयर बाजार को दी गई जानकारी, फ्यूचर ग्रुप की लिस्टेड कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड यानी FRL ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया है कि उसे मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह की ओर से सब लीज प्रॉपर्टीज की लीज समाप्ति का नोटिस प्राप्त हुआ है। इसमें से 342 लार्ज फॉर्मेट और 493 स्मॉल फॉर्मेट है। कंपनी ने कहा है कि अब से ये स्टोर स्टॉक के लिए परिचालन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, सेंट्रल के 34 आउटलेट भी शामिल है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इसमें सेंट्रल के 34 आउटलेट और कंपनी के 78 ब्रांड फैक्ट्री स्टोर शामिल है। कंपनी ने आगे कहा है कि ये सभी रिटेल रेवेन्यू ऑपरेशन में 55-65% तक की योगदान दे रहे हैं। अब तक ये स्टोर स्टॉक और इन्वेंट्री में समानता लाने के लिए चालू नहीं है। बताया गया है कि कंपनी रिलायंस समूह के साथ स्थिति बनाए रखने और विभिन्न शेयर होल्डर्स के हितों की सुरक्षा के लिए चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि फ्यूचर के कर्मचारियों को पेशकश। गौरतलब है कि पिछले महीने रिलायंस रिटेल ने फ्यूचर ग्रुप के उन स्टोर स्पेस का अधिग्रहण किया था जिसके लिए फ्यूचर ग्रुप लीज रेंट का भुगतान नहीं कर सका। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बंद होने के कगार पर खड़े फ्यूचर रिटेल के कुछ स्टोर्स का संचालन अपने हाथों में लेकर कर्मचारियों को नौकरी की पेशकश करी थी। इस संबंध में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि इन स्टोर्स पर अब रिलायंस रिटेल की बॉन्डिंग की जाएगी। अधिग्रहण करने का मामला फ्यूचर रिटेल स्टोर्स के किराए न चुका पाने की वजह से शुरू हुआ। इसके बाद परिसर मालिकों ने स्टोर्स खाली करने का दबाव बनाया। आपको बता दें कि अमेजोन ने छेड़े विवाद का हल। इसके साथ ही आपको बता दें कि ई कॉमर्स दिग्गज अमेजोन और फ्यूचर रिटेल के बीच लंबे समय से जारी विवाद अब कोर्ट के बाहर सुलझने की उम्मीद भी बढ़ गई। हाल ही में अमेजोन ने कानूनी लड़ाई को खत्म करने के लिए फ्यूचर रिटेल के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के माध्यम से आपसी सहमति से इसे निपटाने के लिए 15 मार्च तक का समय भी दिया है। आपको बता दें कि अमेज़न फ्यूचर के बीच क्या है विवाद। अमेज़न ने 2019 से 1500 करोड़ रुपए के फ्यूचर कूपन यानी फ्यूचर ग्रुप की होल्डिंग कंपनी में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के तहत अमेज़न को 3-10 साल के अंदर फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिग्रहण मिल गया था। लेकिन 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अपने रिटेल होलसेल और लॉजिस्टिक्स बिजनेस को रिलायंस रिटेल को 24,713 करोड़ रुपए में बेचने की घोषणा कर दी। अमेज़न की ओर से इस डील पर आपत्ति जताई गई जिसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया। गौरतलब है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के 18 दिसंबर के आदेश ने अमेज़न द्वारा प्रासंगिक जानकारी का खुलासा न करने पर 2019 में हुए अमेज़न फ्यूचर के लिए सौदे की CCI की मंजूरी को निलंबित कर दिया था। CCI ने अमेज़न पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना भी